गुरु, बहुत दिनों के बाद आज फिर से हम बतियाएंगे गधा चीन के बारे में। तो भैया देखो, चाइना कोनो ऐसा वैसा देश ना ही है। अब कई लोगों को ऐसा लगता है कि चाइना बहुत सुअर देश है, इसके जैसा दलिदर देश पूरी दुनिया में कोनो है ही नहीं। अगर इसका प्रेसिडेंट हाथ लगी गवा तो ससुरे को फसरे पे टांग देंगे। तो ऐसा सोचने वाले को मैं एक ही बात बोलूंगा, शाबाश गुरु। कैसे कि गधा चीन ऐसा काम ही करता है। अब जरा सोचो, भारत से बड़ी सेना है गधा चीन के पास, और हथियार के मामले में भी चाइना हमसे आगे है। Nope. लेकिन फिर भी ससुरा हमसे डरता है। बताओ, अगर हमने एक मोमबत्ती भी जलाई ना, तो उस पे चाइना बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, और सीधे चल देगा यूएन। तब यूएन हमसे पूछी कि आखिर मामला क्या है। फिर भारत बोली कि भैया मोमबत्ती जलाए थे, ये गधा को लगा मिसाइल टेस्टिंग है। बताओ, गजब हाल है भाई। इसके बाद चाइना बोली, हमको भरोसा नहीं इन पर, तूफान आया है बोलकर परमाणु बम फोड़ दिए थे। मोमबत्ती जला के बोले मिसाइल टेस्ट कर लिए तो हम रिस्क नहीं लेंगे। तब यूएन चाइना को बोलता है, अरे गधा, पागल विगल है कारे, ससुरा झूठे टाइम खोटी कर रहा हमारा। बट सारे यूएन चाइना की बातें नहीं सुनता, और भारत जब भी कोनो मिसाइल टेस्टिंग करेगा ना, तो चाइना कुकुर नियन भोगता है, लेकिन हमको कदुआ फर्क नहीं पड़ता। और मजा तो तब आता है जब भारत अग्नि सीरीज की मिसाइल टेस्ट करता है। इस दौरान गधा चीन पूरी तरह से जल के कोयला हो जाता है। जैसे कि अब ही ले लो, हाल ही में भारत अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट करने वाला था, लेकिन नहीं किया। पता है क्या है, गधा चीन की वजह से इस ससुरा जासूसी के लिए अपना युवांग यांग 6 बड़ा सुअर नाम है, इस जहाज को मलेशिया भेज दिया, ताकि वो भारत की मिसाइल टेस्टिंग की जानकारी ले सके। देख रहे हो कितना कमीना है गुरु। भले ही चाइना का ये जहाज हमसे कई मील दूर है, लेकिन फिर भी ये जहाज हमारी जानकारी जुटाने के कैपेबल है। इसीलिए डीआरडीओ ने अपने मिसाइल परीक्षण को पोस्टपोन कर दिया। तो गुरु बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।